हरवंश जी, देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते, पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं। और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया, आते ही नहीं है बैठक में। मान के चल रहे कि तो नहीं है, तो वो बता सकते टेक्निकली तो अभी जदयू से बाहर नहीं जा। हरिवंश नारायण सिंह को लेकर के आज जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सारी पोल खोल दी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जदयू के किसी भी मीटिंग में 2022 के बाद वो नहीं आते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हरिवंश नारायण सिंह जो है 9 अगस्त 2022 के बाद जो है जदयू के किसी भी मीटिंग में नहीं आता है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो बीजेपी से मिले हुए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ये तो अच्छी तरह से आप ही बता सकते हैं। और जब पूछा गया क्या मोदी से संपर्क, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मोदी से संपर्क में होंगे, जिसके कारण मोदी जी उन्होंने बोले होंगे कि किसी भी मीटिंग में नहीं जाना है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, इस वीडियो में आप सुनिए। हम राज्य सरकार नहीं है सर, हरिवंश जी का नाम हरवंश जी। देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते, और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं, और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया, उपसभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने, और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए, और तब वो चुनाव जीते। लेकिन हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हट गए और महागठबंधन में आ गए, तो उसके बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि किसी बैठक में नहीं जाइए, तो इसलिए वो बैठक में नहीं आए, आते ही नहीं है बैठक में नहीं, तो वो बता सकते टेक्निकली तो अभी जदयू से बाहर नहीं जा सकता, तकनीकी रूप से तो जदयू से बाहर नहीं जा सकता। विकसित त्यागी हर बैठक में आते हैं, किसने कहा आपको, कहां से आप ये सूचना ग्रहण करते हैं, ये सूचना आपको कहां से ग्रहण हुआ? केसी त्यागी जी पार्टी के नेता है और हर संसदीय दल की बैठक में भी आते हैं। सर एक सवाल है सर, कि पद की कोई संवैधानिक स्थिति में ना है कि इसलिए वो आप लोग साथ में आ रहे हैं? नहीं, पहले आते थे वो, उसके 9 अगस्त के पहले वो हर बैठक में आते थे, लेकिन 9 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में बैठक बुलाई थी, सभी सांसदों की, सभी विधायकों की, सभी की बैठक उन्होंने बुलाई थी राय विचार करने के लिए, उसमें भी वो नहीं आए। भाजपा के संपर्क में है, अभी तो आप बता सकते सर, उन्हें सर सिक्योरिटी बना है, इसमें क्या कहेंगे आप? तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर उनका कहना है कि वो 9 अगस्त 2022 के बाद जो है जदयू के किसी भी मीटिंग में जो है नहीं आते हैं। उनको जो राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया, यही जो लोकल पार्टी है उसी के सभी नीतीश कुमार ने सब पार्टियों को कॉल कर करके और वोट देने की मांग की थी। उन्होंने सारी बातें को लेकर के अपनी बातों को रखा। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मोदी जी जो है उन्हें मना कर दिया कि किसी भी मीटिंग में नहीं जाना है। इसको लिख साफ तौर पर जो है हरिवंश नारायण सिंह पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नजर आए।